फाइनली हम बिलासपुर में हैं और अभी आए हुए हैं मनु की दवाई लेने, क्योंकि मनु की आंखों पे कुछ व्हाट्सअप का कैसे हो आप सभी का स्वागत है मनुश्री व्लॉग्स पर। और बताइए सभी लोग कैसे हैं। और आज का मॉर्निंग हो चुकी है, आज है संडे और धूप बिल्कुल भी निकली नहीं है। आज मौसम बहुत क्लियर हो रहा है, मतलब बादल बहुत हो रहे हैं, इतना बढ़िया सीन लग रहा है। पर गर्मी लग रही है जिस वजह से आँखें नहीं खुल पा रही हैं। आपको आँखें छोटी छोटी दिख रही होंगी, आँखें बिल्कुल नहीं खुल पा रही हैं, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है मौसम। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप, ताकि हमें भी तो पता लगे हमारी वीडियो किस किस के पास तक जा रही है। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक अभी कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूलने वाले हैं। मुझे पता है आप लाइक करना भूल जाते हैं, पहली लाइक कर दीझिए प्लीज़। मम्मी लगा रही है इधर झाड़ू, अपना चल रहा है पोछा। और टाइम हो चुका है 12 बजने वाले हैं, यानी 12:15 हो चुके हैं। और पोछा चल रहा है, उधर मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, घर की सफाई हो रही है। इस पोछा वगैरह लगाने के बाद अब नहा लिए हैं, और ये नहाने से मना कर रही है, कंघा कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बाल गीले हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे कंघा। चल देखो देखो लात मार रही है, अरे चलना नाने। अरे अभी गिर गई थी ये आइसक्रीम की, ये कोन लाई थी ना, तो जैसे वो शॉर्ट वीडियो देखी है मैंने, वो कोन ऐसे घुमाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोन से ऐसे कर रही थी ये, और अभी यहाँ पे कर रही थी मेरे साथ, और अभी गिरी दौड़ करके इसके घुटने में चोट लगी, ऐसे करते करते मतलब ऐसे कर रही थी, धुड़ गिर गई पीछे को, इतनी हंसी आ रही। अभी हो रही है साइकिल राइडिंग, और अभी हम जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ। तो जय आप सबको पता लग जाए कि हम बिलासपुर में किधर जा रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है, एकदम बढ़िया, इतने बढ़िया हवा चल रही है, बाल देख रहे हो बाल कैसे उड़ रहे हैं, एकदम एकदम बढ़िया वाले। शाम के लगभग 6 बज गए हैं और हम सभी अचानक से ही ध्यान आया कि वो डॉक्टर कल नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें आज ही उनसे मिलना है। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और मनुश्री की आँखों पर कुछ वाइट चकत्ते से हो गए हैं, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है इसलिए बहुत जल्दी असर हो जाता है उसके ऊपर मौसम का। सर्दियों में भी यही हाल था और जब ज़्यादा गर्मियां हो रही हैं तब भी यही हाल हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उसकी दवाई लेने के लिए निकल गए थे घर से। और शाम का समय बिलासपुर में है और अभी आए हुए हैं मनु की दवाई लेने, क्योंकि मनु की आंखों पे कुछ इन्फेक्शन टाइप हो रहा है वाइट कलर का, तो उसकी दवाई लेने आए हैं। पहले बुक करवा दिया था, अभी आए हैं इस क्लिनिक पर, देखते हैं क्या होता है मनु का। यही है ना, ये तो ब्लड लैब है क्लिनिक के अंदर, एक क्लिनिक की फुटेज नहीं ले सकता मैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको फुल दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मनु की दवाई ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये उनका क्लिनिक है जो होम्योपैथिक क्लिनिक है, और यहाँ से दवाई ली थी। उन्होंने बताया कि इसकी आंखों पर जो ये इन्फेक्शन हुआ है, ये सफ़ेद चकत्ते हैं, इसके लिए लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। और उसके बाद हम वापसी आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मार्केट तो नहीं खुलती है, सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है ना, तो आप देख रहे होंगे मार्केट बिल्कुल बंद है। हम जैसे ही जिनको ज़रूरी है, कंपलसरी है बाहर निकलना, बस वही लोग आ रहे हैं बाहर, वही लोग निकले हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था इस समय पर, लगभग 7 बजने वाले थे, 7:45 का टाइम था, 6:30 का। और ये देखिए बादल कितने अच्छी ड्राइंग बनाए हुए हैं, एक पेंटिंग बनाए हुए हैं। रोड पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है। और मुझे बहुत टेंशन हो गई है मनुश्री को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां कितनी सीरियस होती हैं अपनी स्किन को लेकर के, कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, इसलिए लगातार उसको दवाई दिलवानी पड़ेगी। और उन्होंने 15 दिन के बाद कहा है कि 15 दिन लगातार पहले दवाई खिलाओ, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मेरी दवाई भी चल रही है, मनुश्री की भी दवाई अब शुरू हो गई है। मुझे खुद को इतनी प्रॉब्लम है कि कई बार मुझे इतने चक्कर आने लगते हैं कि बिल्कुल सिर उठाने का मन नहीं करता है। आप सबको पता ही है मैंने एक वीडियो बनाया था, और बहुत जल्द एक वीडियो और मैं बनाने वाली हूँ हेल्थ को लेकर के, ताकि आप सब भी सचेत हो जाएं। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए आराम से हम लोग घर पहुँच गए थे। और इस समय कौन ड्राइव कर रहा है, थोड़ी दूर के लिए आर्य ने ड्राइव किया था स्कूटर को, कह रहा मम्मी थोड़ा सा चलाता हूँ मैं उसको, ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाने देती हूँ, उसके हाथ में बिल्कुल नहीं सौंपती हूँ, क्योंकि अभी उसका डीएल नहीं बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा देर उसे चलाने के लिए नहीं दिया जाता है, बस थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता है जब रोड खाली होती है तब। और देखो बादल इतने सुंदर हो रहे थे ना, मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ,
और लगभग बिल्कुल सूरज छिप चुका है इस समय पर, बिल्कुल रात सी होने वाली है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन टेंशन भर गई थी। डॉक्टर ने बताया है कि ये सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत परेशानी हो गई है। तो मनुष्य की स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं लगातार उसको दवाई खिलाने वाली हूँ आने वाले टाइम में। और आप सब बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, आपको ये सफ़र कैसा लगा हमारा। अचानक से ही प्रोग्राम बना था जाने का, पहले तो ये था कि कल दिलवा देंगे, लेकिन दूसरे दिन वो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सैटरडे संडे ही मिलते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जाना ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग गए थे। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। गए हैं बिलासपुर से वापस मनु की दवाई लेके, और लेके आए हैं कीवी साथ में। कीवी देख लीजिए, मनु भी बैठी हुई है, हम अभी खाएंगे कीवी, आप सब इंजॉय कीजिए। और आए हो गए, आ गए हैं बिलासपुर से दवाई लेके, इसकी आंखों पे ना धब्बे हो गए हैं, तो उसकी दवाई लेने गए हैं। उसने बताया वाइट स्पॉट हो गए हैं आंखों पर इसकी, अभी अभी तो नहीं दिखाएंगे हम, आने वाले टाइम में कभी दिखा देंगे आपको। कीवी आए हैं, कीवी खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। गुड बाय, जय हिंद।